नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 3 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा मेरे साथ में इसे होगी महिमा भी, आपको अहम जानकारी इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन शुरुआत कोलकाता कांड से जुड़ी बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताया कि पूर्व प्रिंसिपल से लगातार चौथे घंटे ये पूछताछ चल रही है। चौथा दिन भी है पूछताछ का और पिछले 4 घंटे से पूछताछ जारी है पूर्व प्रिंसिपल संतोष से। ये बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, संदीप घोष से ये पूछताछ चल रही है। सीबीआई दफ्तर में 4 घंटे से जवाब तलब किया जा रहा है। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म मामले में कई सवाल हैं, अनसुलझे सवाल जिनकी तह तक पहुंचने की कोशिश है। क्राइम सीन के रेनोवेशन पर भी सवाल है कि आखिर क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, सील क्यों नहीं किया गया उस सेमिनार हॉल को जहां पर वो घटना हुई थी। तो कई सवाल हैं। तुरंत इस्तीफा होता है, तुरंत पोस्टिंग सरकार की तरफ से हो जाती, इतना आसान सब कुछ कैसे था? और पूर्व प्रिंसिपल ने गलत जानकारी, अधूरी जानकारी होने के बाद परिवार को आत्महत्या की जानकारी कैसे दे दी थी? तो कई सवाल हैं जो पूर्व प्रिंसिपल के आसपास घूमते हैं, जिनका जवाब चाहिए। और इसको लेकर 4 घंटे से देखिए आज पूछताछ चल रही और चौथा दिन भी है। लगातार हर पहलू को खंगाल रही है सीबीआई। बिल्कुल, देखिए सलोनी, आप क्योंकि जानकारी दे रहे हैं कि पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन मौत को आत्महत्या बताने की आखिरकार जल्दी क्यों की गई, सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है यहाँ पर। इसके अलावा अस्पताल में रेनोवेशन क्यों करवाया गया, ये भी सवाल अब लगातार पूछा जा रहा है। और आपको बता दें कि सीबीआई लगातार पूछताछ इस वक्त कर रही है। परिवार को किसने, किसके कहने पर जानकारी दी गई, ये भी एक सवाल पूछा गया। इसके अलावा बिना फैक्ट्स के जानकारी आखिरकार क्यों दी गई, ये भी सवाल पूछा गया है। सवालों की लंबी फहरिस्त है और इसी के आधार पर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। क्राइम और इसके अलावा क्राइम सीन पर सबूतों से आखिरकार छेड़छाड़ क्यों की गई, ये भी एक सवाल यहां पर पूछा गया है। जाहिर तौर आपने देखा कि कैसे वहां पर रेनोवेशन का काम बता करके छेड़छाड़ की गई थी और सबूतों को जांच होने तक आखिरकार सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, ये भी सवाल यहां पर पूछा गया है। और अभी आपको बता दें कि पिछले 40 घंटे से लगातार पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं, एक तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए ये भी मांगे, और दूसरी बड़ी बात ये भी मांग कर रहे हैं कि जो उनका वर्क प्लेस है वहां पर उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। ये आपको बता दें कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इससे पहले आपको बताई थी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ जारी है, पिछले कई घंटों से पूछताछ की जा रही है, कई सवाल पूछे गए हैं। लेकिन इसी बीच लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे कोलकाता से, जहां पर डॉक्टर्स बड़ी संख्या में आप देखिए कि इस वक्त सड़कों पर है, मांग कर रहे हैं। और ना सिर्फ कोलकाता बल्कि देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें ऐसे ही सामने आ रही है। दिल्ली से तस्वीरें सामने आई थी, मुंबई से भी आई, कोलकाता से, और देश के कोने कोने में आपको बता दें कि इस वक्त रोष है, ना सिर्फ डॉक्टर्स में बल्कि सभी लोगों में रोष है। और अब आपको फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीबीआई ने भी सवाल पूछे हैं, पूर्व प्रिंसिपल से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपी से भी पूछताछ, अन्य जो 30 लोग हैं शक, क्या उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जो पीड़ित परिवार है, डायरी का जिक्र भी यहाँ पर चुकी हो चुका है, उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं। और सलोनी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स। बिल्कुल, और प्रदर्शन लगातार जारी। देखिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार होती रही है डॉक्टर से इस पूरे मामले में। प्रिंसिपल को लेकर सवाल थे, वो जांच के दायरे में आ गए। सीबीआई की जांच की मांग की गई थी, कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद सीबीआई जांच हो रही है। अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर चाह रहे हैं डॉक्टर्स की कुछ एक्शन लिया जाए, कुछ फैसला लिया जाए। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसके लिए मुआवजे की भी मांग रखी गई थी। तो ये तमाम मांगे थी जिसको लेकर डॉक्टर सड़कों पर उसी दिन से उतरे हुए हैं, जिस तरह से ये घटनाक्रम सन्न कर देने वाला घटनाक्रम, निर्भया कांड जैसा घटनाक्रम कोलकाता से सामने आया। और अलग अलग जगहों पर, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। जो डॉक्टर्स से जुड़ी संस्थाएं हैं, चाहे फाइमा हो, चाहे IMA हो, इन तमाम संस्थाओं ने एक साथ मिलकर ये विरोध दर्ज कराया है। और मांग यही है कि संजीदगी से ये समझा जाए कि डॉक्टर्स की जान पर आए दिन क्यों बना रही है। और ये जो घटनाक्रम हुआ ये तो हतप्रभ करने वाला था, हैरान करने वाला था, क्योंकि अस्पताल के अंदर ही पीड़िता डॉक्टर जो थी वो ड्यूटी पर थी, ऑन ड्यूटी थी, 36 घंटे की ड्यूटी उसने पूरी की। और उसके बाद क्या अस्पताल के अंदर भी एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं, इस तरह की घटना हो जाती है, उस पर लीपापोती की जाती है। पहले कहा जाता है आत्महत्या है, फिर पुलिस अलग अलग बातें कहती है,
और उसके बाद जब कोर्ट कहता है तब सीबीआई जांच होती है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अब डॉक्टर्स जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता लोमस की तरफ से, रिपोर्ट तैयार की है। कोलकाता में जिस प्रकार से महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों में और साथ ही अन्य सामान्य लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी हम स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर निर्माण भवन के आसपास खड़े हैं और यहाँ पर भी डॉक्टर हैं, काफ़ी गुस्से में हैं और लगातार ही अपनी मांगों को लेकर के और जस्टिस को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालाँकि इन डॉक्टरों ने आह्वान किया है कि ये ओपीडी भी लगाएंगे। जो तमाम डॉक्टर्स हैं, तमाम हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, वो पहुंचे हुए हैं और जस्टिस की बात उनके द्वारा यहां पे की जा रही है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी बातों को सुने और जल्द से जल्द जो मामले हैं, जो जिस प्रकार से जांच चल रही है उसमें तेजी लाया जा रहा है। आप लोग लगातार यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तीसरी बार आप निर्माण भवन के बाहर पहुँचे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री से आपने एक बार बात भी की, क्या बातों में निकल के आया, क्या आप लोगों की मांग मानी गई? अभी CPA Act का आया है लेकिन इसको आगे कहीं प्रावधान है संसद में, इसका कुछ डिस्कशन हो, कुछ तो आए। अभी इसका कोई साफ सुथरा कुछ नहीं है, लॉलीपॉप की तरह हो सकता है। जब तक हमारे पास सॉलिड कुछ नहीं मिलेगा हम ये हड़ताल नहीं रोकेंगे। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनका कहना है कि हम लोग ये प्रोटेस्ट रोकेंगे नहीं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वापस ले लें और OPD का काम शुरू करें। हम लोग का एसोसिएशन डिसाइड करेगा कि उधर से अभी क्या बातचीत हुई है, मिनिस्ट्री का बात हम लोग नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट से क्या बात हुई है, बट हम लोग अभी स्ट्राइक पे हैं कि जल्द से जल्द सजा मिले। जो हमारी बहन को ऐसा हुआ है और बार बार जो डॉक्टरों के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, इसके पे कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, परमानेंट सिक्योरिटी का व्यवस्था किया जाए। परमानेंट सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे और डॉक्टर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और बंगाल का घटना हुई घटना के बाद में काफ़ी आक्रोश है और लगातार ही जो डॉक्टरों की तरफ से सरकार उस पर एक्शन ले। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तीसरी बार यहाँ निर्माण भवन के बाहर पहुँचे हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी तक नहीं मिला और उसी लिए कर रहे हैं कि हमें मिले, कोई ठोस सबूत मिले, रिटर्न में सबूत मिले, इसलिए हम कर रहे हैं। ठोस सबूत यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठोस रिटर्न में करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई महिला डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन जो बंगाल में घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय है और शर्मनाक हरकत है, उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है और लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तीसरी बार यहाँ पहुँचे आप लोग। हम एक तरीके से RG Kar के साथ हैं, उन्हीं के साथ खड़े हो रहे हैं और उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है, अभी वहाँ 144 लग गया है। तो लोमस की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, कोलकाता हो दिल्ली हो हर जगह आवाज़ बुलंद की जा रही है। कोलकाता में जिस तरह से लेडी डॉक्टर की हत्या का यहाँ पर मामला सामने आया, उसका विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ CBI मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। CBI केस से जुड़े सभी आरोपियों तक पहुँचने के लिए कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी तक कहाँ जाँच पहुँची है, क्या कुछ अभी हो रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए बता दें। कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। एक हफ्ते पहले शुरू हुआ डॉक्टरों का प्रोटेस्ट अब देशव्यापी हो चला है। डॉक्टर्स की पहली मांग है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। इसको लेकर दिल्ली समेत पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए CBI की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लगातार RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से CBI की पूछताछ जारी है। CBI को जांच में अस्पताल से जुड़ी अहम लीड्स हाथ लगी हैं। यही वजह है कि CBI पूर्व प्रिंसिपल से लगातार सवाल जवाब कर रही है। CBI की टीम ने संदीप से पूछताछ की है, रेप मर्डर केस में प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है। संदीप घोष से चौथे दिन भी पूछताछ जारी है। संदीप घोष से अब तक 40 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ CBI की टीम ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की है ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर CBI की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा, तो आपको बता दें कि दरअसल CBI इस केस में हर छोटी से छोटी चीज की तलाश में जुटी है।
ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली, दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है ये कैप्चर किया, कमरे के फोटोग्रामेट्रिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के लिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून की एक छोटी सी छींक भी कमरे में मौजूद हुई तो उसे भी कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई है, 15 अगस्त को हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहां सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय से जुड़े हर सबूत और तथ्य जुटाने में लगी है, लेकिन जिस तरह से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। बंगाल सरकार और उसकी पुलिस सवालों के घेरे में है, सवाल बंगाल के राज्यपाल भी उठा रहे हैं। बंगाल is not a place safe for women. Bengal has failed its women. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. Itna hi nahi, BJP bhi Bengal sarkar par hamlawar hai. BJP sawal kar rahi hai. Pehle to Mamata sarkar ne action lene mein deri ki. Ab mahilaon ki suraksha ki zimmedari se bhi bhag rahi hai. एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और कवर अप करने में एक इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया गया सरकार के द्वारा। हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है, अब सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध का स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत 20 अगस्त यानी मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले को सुनेगी। देखना होगा कि आखिर पीड़िता के परिवार को न्याय के लिए और कितने दिन इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, और इस वक्त हमारे साथ प्रगति भी जुड़ी हुई है दिल्ली से लाइव, जहां पर लगातार देखा है हमने कि डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है, अपनी मांगों को लेकर फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रगति, डॉक्टर से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल महिमा, निर्माण भवन के सामने हम मौजूद हैं और प्रोटेस्ट लगातार यहां पर जारी है, हल्ला बोल किया जा रहा है, हाथों में पोस्टर्स लिए, बैनर्स लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और